मैडम कुछ कपड़े लेने थे। सॉरी, यहाँ तुम्हारे टाइप के कपड़े नहीं मिलते। हमारे टाइप के कपड़े नहीं मिलते मतलब? मतलब ये कि वो जो रोड साइड पे पटरियों पे कपड़े नहीं बिकते, वहाँ जाके खरीदो, क्योंकि तुम वही अफोर्ड कर सकती हो। यहाँ पे तुम्हारे बजट का कुछ नहीं है। देखिए मैम। मैम इट्स ओके, मैं इनको अटेंड कर लूंगा। व्हाटएवर, तुम्हें इतनी दया आ रही है इस पे तो तुम ही हैंडल कर लो। मैम दिस इज और कितना टाइम वेस्ट करोगे इसके पीछे? बाकी कस्टमर्स को भी देखना, थोड़ा जल्दी करना। मैम ये भी कस्टमर ही है ना। आदित्य ऐसे लोग को वैसे भी स्टोर से कुछ नहीं लेना, बस अच्छा स्टोर देखा नहीं कि एसी के हवा खाने आ जाते। और ये क्या सारे कपड़े फैला रहे? ये हमें पसंद आए। अच्छा, पसंद आने से कुछ नहीं होता, खरीदने की औकात भी होनी चाहिए। और अगर ये सारे कपड़े खरीदे नहीं ना तो तय भी तुम ही लगाओगे। आप इन कपड़ों को पैक कर दीजिए, साथ में 5% अपना टिप भी काट लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तुम ये सारे कपड़े ले रही हो? हम चाहें तो ये पूरा स्टोर खरीद सकते हैं, पर फिलहाल हमें सिर्फ इन कपड़ों की जरूरत है। बट तुम इन सारे कपड़ों का क्या करोगी? हम हर महीने चैरिटी करते हैं, और इस स्टोर के जो ओनर हैं मिस्टर मेहता जी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बार की चैरिटी की शॉपिंग हम उनके शॉप से करें, और इसीलिए हम यहाँ आए। एक्चुअली मैम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आई एम रियली सॉरी। यस यू शुड बी, जस्ट बिकॉज मैं सिंपल लाइफ जीना पसंद करती हूँ, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती, डजंट मीन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। दिस शुड बी अ लेसन फॉर यू, ताकि आगे से आप किसी को उसके लुक से जज ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। मैम अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो।